उसका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से देवराज को बिताई थी। देवराज के पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि दी। इससे पहले अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। इससे पहले आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शव को परिवार को सौंपा गया था। उदयपुर शहर में आज भी नेटबंदी रहेगी, ऐसी जानकारी। स्कूल कॉलेजों में दूसरी तरफ छुट्टी की भी घोषणा है। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ कपिल लाइव जुड़े हुए हैं। कपिल, अंतिम संस्कार तो छात्र का हो चुका है लेकिन माहौल तनावपूर्ण है अभी। देखिए, 4 दिन से उदयपुर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ रहा लेकिन इस बीच शांति भी बहाल होती हुई नजर आई। और कल जब दोपहर बाद में अचानक से छात्र देवराज के निधन की जानकारी मिली तो एक बार फिर शहर में तनाव की स्थिति हुई। बाजार अपने आप बंद होने लगे लेकिन आप देखिए, क्योंकि जो मांग जो समाज के द्वारा की जा रही थी वो सारी मांगे जिला प्रशासन और सरकार द्वारा पूरी कर ली गई थी, मान ली गई थी और अपराधियों के खिलाफ जो कड़े एक्शन प्रारंभिक तौर पर लेने थे वो ले लिए गए थे। ऐसे में कल भी शांति बनी रही, हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर कल कुछ असमंजस बना रहा और सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं कराने पर समाज के कुछ लोग अड़ गए। ऐसे में आज सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई। सुबह तकरीबन 4:57 पे जो परिजन है वो MB चिकित्सालय की मोर्चरी से देवराज के शव को लेकर घर के लिए रवाना हुए। घर पर जो अंतिम यात्रा से पहले की जो परंपरा है उनका निर्वहन किया गया और उसके बाद देवराज की अंतिम यात्रा खेरादीवाड़ा इलाके के उनके निवास स्थान से रवाना हुई। पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहा। हालांकि हजारों की तादाद में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और देवराज को अंतिम विदाई दी। खेरादीवाड़ा से जो अंतिम यात्रा शुरू हुई वो जो मुखर्जी खेरादीवाड़ा से निकलकर अमल का काटा और सूरज पोल बैंक तिराहा होते हुए दहली गेट और शास्त्री सर्कल पहुंची और वहां से अशोक नगर मोक्षधाम पहुंची, जहां पर देवराज के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी और इस दुनिया से अंतिम विदाई दी। जी कपिल, माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना रहे इसकी अपील जो है प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए? बिल्कुल, देखिए ये उदयपुर में जो इतना तनाव बढ़ा और अचानक से शांतिपूर्ण माहौल हो गया, बाजार खुलने लगे, लोगों की आवाजाही पहले की तरह नजर आने लगी, उसका बड़ा कारण था कि प्रशासन लगातार अपील करता रहा और साथ में संवाद की कमी नहीं रखी। जो वस्तु स्थिति छात्र देवराज की थी उसके बारे में जिला प्रशासन लगातार आक्रोशित लोगों को जानकारी देता रहा और किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े इसलिए जो वास्तविक जानकारी थी वो जो आक्रोशित लोग जो भीड़ थी उन तक पहुंचाई गई और यही वजह रही कि शांति बनी रही और फिलहाल भी शांति बनी हुई है। देखिए, माहौल बिगड़ता देख धारा 144 भी लगा दी गई थी, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई थी और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद करने के आदेश अभी किए हुए हैं। अब आज दोपहर बाद में इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या इंटरनेट बंदी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर आज इसे खत्म कर देना चाहिए। ये आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम के बाद में स्पष्ट हो सकेगा। जी, कितना पुलिस बल इलाके में तैनात किया गया है कपिल? देखिए, पुलिस का बहुत बड़ा जाप्ता तैनात है, ना सिर्फ उदयपुर का बल्कि आसपास के जिलों से पुलिस बल बुलाया गया था और जयपुर से 7 पुलिस की कंपनियां उदयपुर भेजी गई थी। आज जब अंतिम संस्कार देवराज का होना था तो बड़ी तादाद में पुलिस बल अंतिम यात्रा के दौरान मौजूद रहा। पुलिस सुरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया करेगी और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। जिस रूट से अंतिम यात्रा निकलनी थी वहां पर भी पुलिस के का भारी जाप्ता तैनात रहा, तो वहीं जो संवेदनशील इलाके हैं उदयपुर के वहां सभी जगह पर पुलिस के अधिकारियों सहित जाप्ता तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का उपद्रव फिर से ना हो, किसी तरह की अशांति उदयपुर में फिर से ना फैले। जी, और इसी का प्रयास लगातार प्रशासन की तरफ से किया भी जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। परिजनों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी कहीं ना कहीं उन्हें मांग लिया गया और यही वजह रही कि आज छात्र का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन समाज में आक्रोश है अभी और शायद यही वजह है कपिल कि प्रशासन ने यह फैसला किया कि नेटबंदी जो है वो लगाई जाएगी आज।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह का घटनाक्रम हुआ बेहद दुखद घटनाक्रम रहा। सबसे पहले जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो बाल अपचारी था उसे निरुद्ध कर लिया गया और उसके बाद में एक सख्त संदेश देने की सरकार ने कोशिश की और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। तो ये प्राथमिक कार्रवाई कानूनी स्तर पर की जानी थी जो कि जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई। उसके बाद में जब निधन की जानकारी सामने आई कल शाम को, ऐसे में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और संविदा पर तत्काल परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा कर दी। ऐसे में सभी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। एक और जानकारी निकलकर सामने आई कि जो मृतक देवराज है उसका परिवार किराए के घर पर रहता है, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर भी उन्हें आवंटित किया जाएगा, ये भी आश्वासन जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवारजनों को दिया गया है। तो सारी जो मांगे थी, जो सारी जरूरतें थी, चाहे वो आर्थिक रूप से मजबूत करने की हो, सामाजिक रूप से मजबूत करने की हो, दो और महत्वपूर्ण बातें थी जिसमें परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना था और इस पूरे मामले को फास्ट्रैक कोर्ट तक ले जाना था, इस पर भी सहमति बनी। तो जो सारी मांगे कानूनी स्तर पर थी, जो सारी मांगे सामाजिक स्तर पर थी और परिवार को आर्थिक रूप से और सुरक्षित रखने के लिहाज से जो जरूरी थी, वो सारी मांगे प्रशासन और पुलिस द्वारा मान ली गई। जी, माहौल वहां का कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है कि जो प्रशासन ने उनकी मांगे मानी हैं उनको क्या ये मरहम की तरह काम करेंगी परिवार को जो इस वक्त आघात पहुंचा है देवराज की मौत से। कपिल, देखिए देखिए, जो देवराज की मां थी उनका कहना था कि उन किसी भी तरह की सहायता उनके बेटे की भरपाई नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये वास्तविकता है कि उनके बेटे की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कानून अपना काम करता है, जिसने अपराध किया है उसे सजा दिलाना कानून का काम है। तो जो कानून की प्राथमिक जो कार्रवाइयां थी वो कानून द्वारा पूरी की गई, पुलिस द्वारा पूरी की गई। और जो क्योंकि एक परिवार का एक सदस्य चला गया था, महज 15 वर्षीय छात्र था, उसकी इस घटनाक्रम के मौत हो गई थी, तो सरकार ने इस परिवार के साथ अपने आप को खड़ा होना बताया और एक बड़ी आर्थिक सहायता, 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की घोषणा की। और जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान आवंटित करने का भी आश्वासन दिलाया। तो निश्चित तौर पर ये जो शांति मकान से एक और खबर सामने निकल कर आई थी कपिल, कि आरोपी के घर को तो जमींदोज कर ही दिया गया था, लेकिन आसपास के जो अवैध निर्माण थे उनको भी, उनके लिए भी नोटिस जो है वो जारी किया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली क्या आपको? बिल्कुल, देखिए जिला कलेक्टर से जो हमारी बात हुई थी उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्राथमिक तौर पर जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ के दौरान उनके बारे में जब छानबीन की गई तो उनके मकान के अवैध होने की जानकारी मिली थी। ऐसे में मौके पर स्थिति देखी तो वहां पर कुछ और मकान के अवैध होने की जानकारी मिली। नोटिस कई सारे मकानों को दिए गए, लेकिन प्राथमिक कार्रवाई आरोपी के घर पर करना निश्चित किया गया और एक दिन पहले नोटिस दिया गया और एक दिन बाद में नोटिस का जो जवाब मिला उससे संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई कर दी गई और दो बुलडोजर ले जाकर सरकार के द्वारा उस मकान को जमींदोज कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया और उससे अपराधियों में एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई थी। जी, तो जिनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया उन पे किसी तरीके का आक्रोश तो देखने को नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि माहौल तो वहां पर भी सही रहे इसको लेकर के प्रशासन को देखरेख वहां पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए उन इलाकों में भी पुलिस का भारी जाप्ता तैनात है, हर गलियों में पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान की मौजूदगी है। अब जिन और जगह पे नोटिस दिए गए हैं उनके दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और यदि वो अवैध पाए जाते हैं तो आगे स्थानीय निकाय किस तरह की कार्रवाई उन पर करता है, कब करता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है, आरोपी के घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और अपराधियों में एक संदेश देने की कोशिश की गई है।